नमस्कार। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर इस समय पूरी दुनिया में एक चिंता छाई हुई है और कहीं कहीं तो इस चिंता ने एक दहशत का रूप भी ले लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। भारत में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार इस कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी। सर नमस्कार। सर हम जानना चाहते हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी की ओर से कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए और इससे बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में अब तक क्या क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसमें विश्व के साथ छत्तीसगढ़ में भी देश में भी जब कोरोना वायरस की पुष्ट जानकारी आई वो तारीख थी 22 जनवरी और 22 जनवरी से लगातार हम लोग विभागीय स्तर पे आपस में संपर्क में रहे और कार्रवाई करने का सिलसिला 26 और 27 जनवरी से ही हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स से विभाग ने बात करके एहतियात के तौर पे स्क्रीनिंग करना, बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी लेना, उनको फॉलो करना, उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत हो तो आइसोलेट करना, सिम्टम्स हो तो टेस्ट कराना, ये सारी बातों को हम लोगों ने लगभग 26-27 जनवरी से ही प्रारंभ कर दिया था। और जैसे जैसे इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती गई, आज हम बात कर रहे हैं अभी तो लगभग वैश्विक स्तर पे 2,00,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं, 1,98,363, और इनमें मृत जनों की संख्या लगभग 8,000 हो चुकी है, 7,941। और जो लोग इससे ठीक हुए हैं उनकी भी संख्या है और वो कम नहीं है, 79,864 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। तो अगर लगभग 8,000 लोगों की मृत्यु भी हुई है तो लगभग 80,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ये इसका पहलू है कि लगभग हर 100 के पीछे, हर 100 प्रभावित, हर 100 नागरिक नहीं, हर 100 प्रभावित लोगों के पीछे करीब 4 लोगों की मृत्यु हो रही है। इनमें मृत्यु किनकी हो रही है, लगभग 80% 60 साल से अधिक उम्र वालों की। दूसरी श्रेणी में फिर आएंगे 5 साल तक के बच्चे, फिर आएंगे गर्भवती माताएं, फिर आएंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जिनको HIV या एड्स जैसी संक्रामक बीमारी हो गई है जिसमें इम्यून सिस्टम दब जाता है, शरीर का टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ऐसे लोगों को ये बीमारी हो सकती है। लेकिन सर्वाधिक कौन है प्रभावित, 80% 60 साल से अधिक उम्र। आपको चिंता कम, मेरे को चिंता ज़्यादा। हम लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सभी वरिष्ठ जनों को भी जो डायरेक्शंस दिए हैं वो बचाव के दिए हैं। बचाव कैसे, कोई भी संक्रमित व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित क्षेत्र से आ रहे हैं, और ये देश में अभी तक कोई प्राइम फैक्टर जिसने अपने में कोरोना वायरस आ गया हो ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है। देश भर में, विदेशों में भी जहाँ जहाँ कोरोना वायरस की बात आई है कोई ना कोई बाहर से लेके उस देश में ले गया। सेंटर इसका एपी सेंटर वुहान चाइना को ही माना जा रहा है अभी तक, कि पूरी दुनिया में वहाँ से लोगों को जो गए वहाँ, जिनको वो कोरोना वायरस हो गया और वो गए अपने देशों में, लोगों के संपर्क में आए और उन लोगों को भी हो गया, यही इसका सिलसिला अभी तक रहा है। और एहतियात क्या हमको बरतनी है, ये कैसे होता है पहले समझना। क्या हम साथ में बैठे हैं, मेरे को कोरोना वायरस है आपको हो जाएगा, नहीं, कब तक नहीं हो जाएगा, हवा हवा से नहीं होगा। मैंने अगर छींका या खांसा और उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं छींक और खांसी के, बूंद के कण अगर आप तक पहुंचे, आपके हाथ में हो गए, हाथ में लग गया किसी कारण से, आपने अपने आँख को, कान को, नाक को, मुंह को छुआ, उसके माध्यम से आपको हो सकता है, हवा हवा से नहीं होगा। एहतियात के तौर पे कहा जाता है कि 1 मीटर की दूरी एक दूसरे से हम रखें, 1 मीटर अर्थात छींकेंगे भी तो संभवतः 1 मीटर तक जो ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदें हैं, वो नहीं जाएंगी। और कोई 1 मीटर का अर्थ नहीं है, वो 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। खांसने और छींकने की जितने ज़ोर से हमने छींका या खांसा, ड्रॉपलेट से ही होगा।
कैसे होगा? एक व्यक्ति से व्यक्ति, हमने छींका, वो कण आप तक पहुंच गए, वो बूंद आप तक पहुंच गई। दूसरा, मैंने छींका और टेबल पे आ गया, मैंने छींका और इस कुर्सी पे आ गया, मैंने छींका और मोबाइल पे आ गया, मैंने आपको मोबाइल दे दिया बात करने के लिए, आपने हाथ लगा दिया इस टेबल के ऊपर, जब तक वो कण जीवित हैं, उसकी भी जीवन एक अवधि है, मान लीजिए 6-8 घंटे 10 घंटे, 10 घंटे अगर वो पड़ा रहेगा और स्वाभाविक रूप से वो मर जाएगा, वो वायरस अपने आप मर जाएगा। लेकिन अगर उसको ऐसा कोई आधार मिल गया जिसमें उसको भोजन भी फिर मिलने लगा, जैसे मानव के शरीर में, तो वो जीवित रह सकता है और आपको उसके लक्षण 14 दिन बाद तक भी पता चल सकते हैं। 12 घंटे से लेके 14 दिन तक इसको इनक्यूबेशन माना जा सकता है कि आपके अंदर है, अभी वो बढ़ रहा है, पक रहा है, एक तरह से पक रहा है, बन रहा है, लेकिन लक्षण उसके नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि आपको लक्षण हो गए हैं और आप सोचे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी, क्योंकि कोई लक्षण खांसी सर्दी बुखार के नहीं दिख रहे हैं। ऐसे लक्षण जब भी दिखें, खांसी सर्दी और बुखार, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। किसको? मेरे को आपको खांसी सर्दी हो सकती है, तो हमारे मन में आज के दिन तो चिंता जरूर आ जाएगी कि कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है। चिंता उपयोगी भी होगी, जायज भी होगी, लेकिन वास्तविक संभावना आपके साथ खांसी और सर्दी या बुखार के लक्षण के कोरोना वायरस के कारण होने के, वो नगण्य या बहुत कम हो जाते हैं जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में नहीं आए रहते जिनको स्वयं कोरोना वायरस के संक्रमित हो चुका हो वो व्यक्ति। तो सामान्य बाजार में आप जाइए, नहीं होगा, लेकिन कहीं ऐसे कारण से, खांसी से, छींकने से, या कोई ऐसे सरफेस को आपने छू दिया, वो मॉल का एस्केलेटर की सीढ़ी भी हो सकती है, हम चल रहे हैं उसको भी छू लिया, कांच भी हो सकता है, काउंटर भी हो सकता है, रेस्टोरेंट का टेबल भी हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं। फिर लोगों को गलतफहमी है कि मुर्गी नहीं खाना, ऐसे ये वस्तुएं हैं, जानवर हैं, इनको हम खाएंगे तो जानवरों से ये हो रहा है, तो देखिए उससे हो ही नहीं सकता। आप कोई भी वस्तु खाएंगे तो वस्तु से आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। वस्तु में अगर संक्रमण है, कैसा, कि आप चिकन खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं और किसी ने छींक दिया आसपास, और उसमें वो ड्रॉपलेट छींकने से या खांसने से उसमें आए, तो होगा, वरना आप पकाते हो उसको। सामान्य रूप से अगर उसमें किसी कारण से उसके पहले छींकने या खांसने से कोई कण पहुंचे भी हों, तो पकाने के समय वो नष्ट भी हो जाते हैं अगर एक तापमान से ऊपर में उसको पकाते हैं। तो अच्छे से पका के आप जो भी भोजन करिएगा, आपको कोरोना वायरस कुछ भी खाने से, चाहे न सब्जी, न भाजी, न अंडा, न मुर्गा, इससे नहीं होगा। सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या लोग एहतियात बरतें, कैसे बचाव करें और इसके लक्षण क्या होते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है, वो इसकी जांच के लिए जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे एयरपोर्ट है, या जो हमारे अस्पताल हैं, चाहे वो राज्य स्तर के अस्पताल हों या जिला स्तर के अस्पताल हों, वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं कर रही हैं। यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि उसके अंदर ये लक्षण है, या फिर एयरपोर्ट पे यदि कोई व्यक्ति आ रहा है जो विदेश से आ रहा है, तो उसके परीक्षण के लिए, उसकी जाँच के लिए, और यदि कोई संक्रमित पाया जाता है, तो उसके फिर उपचार के लिए छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्थाएं अभी तक की गई हैं। इसमें एक जो आपने पूछा कि स्वाभाविक है बाहर से आने वाले ही फिलहाल लेके आ रहे हैं, जिन्होंने लेके आया वो देश के अंदर के लोगों के माध्यम से भी फैला सकते हैं, वो एक कारण बन सकते हैं, लेकिन प्राइम मेंबर हमारे देश में या विश्व भर में वही व्यक्ति होगा जो पहले बाहर से लेके आएगा और फिर उसने दूसरों को दिया और उनसे तीसरों को, दसों को, सैकड़ों को हो सकता है। स्क्रीनिंग बतौर भारत सरकार हर एयरपोर्ट पे, जहाज़ से भी अगर लोग पानी के जहाज़ से भी आ रहे होंगे, तो बंदरगाहों में भी जिन माध्यम से वो आ सकते हैं एंट्री पॉइंट विदेश से, उसमें चेकिंग कर रहे हैं, और तत्काल प्रत्येक ऐसे नागरिक की जानकारी जो विदेश से आ रहे हैं उस राज्य को भी उपलब्ध करा दे रहे हैं, कोरोना वायरस हो चाहे ना हो, कि ये व्यक्ति आए हैं। तो राज्यों को जब जानकारी हो जाती है तो वो उनको फॉलो कर सकते हैं कि ये TS बाबा विदेश से आए, और विदेश से आए हैं तो इनको देखिए भाई, हमारा व्यक्ति जाएगा, उनको आइसोलेशन में रखने को कहेगा कि आप प्लीज़ बाबा बाहर ज़्यादा मत जाइए, लोगों से कम मिलिए जुलिए, और लक्षण देखिए कि 14 दिन तक कोई सर्दी खांसी और बुखार के ऐसे लक्षण तो नहीं आपको आ रहे हैं, जिस कारण से फिर आगे की जांच कि आप पॉजिटिव हैं क्या,
ऐसा नहीं कि आए और तुरंत आपका स्क्रीनिंग कर दिया, जांच करा ली कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं, पहले आइसोलेशन में रख रहे हैं। अगर कोई भी ऐसे लक्षण ऐसे व्यक्ति को या उसके बाद ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हुए किसी व्यक्ति को लक्षण जब तक ऐसे नहीं दिखते तब तक टेस्टिंग फिलहाल नहीं हो रही है। आवश्यकता किनको है? जो व्यक्ति बाहर से आए हों, प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग ये केंद्र सरकार राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जानकारी देने के बाद स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य राज का मामला होता है, तो राज्य सरकारें उस अमले के माध्यम से कर रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन कानूनों का उपयोग करके अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं, अपने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हमारे हैं उनको अधिकृत किया है, उनके बाद हर संभाग के कमिश्नर्स को अधिकृत किया है, हमने हर जिले के कलेक्टर्स को अधिकृत किया है, SDMs को अधिकृत किया है कि आपको ये कानूनी अधिकार हस्तांतरित किए जा रहे हैं कि आप लोगों के मूवमेंट को रोक सकते हैं। सर, ये कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं कि जिसमें छत्तीसगढ़ में लोग जो है, छत्तीसगढ़ के लोग विदेश गए, वापस लौट के आए, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दी, जहाँ रिपोर्ट करना चाहिए थे रिपोर्ट नहीं किया। ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे जो विदेश से लौट कर आए हैं लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, अपनी स्वास्थ्य जांच नहीं कराई है, और ना सिर्फ उन लोगों से बल्कि जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के उनसे यही निवेदन करूँगा कि प्लीज़ ऐसी गलती मत करिए कि ये एक आपको भी हो सकता है, अपने आप के भी एहतियात के तौर पर आप ख्याल रखने के लिए अपने आप को अलग रखिए कि कहीं ऐसा नहीं कि बॉर्डर लाइन है तो किसी और से आपको हो जाए। आप निगरानी में आ जाइए, कम से कम एहतियात के तौर पे आपको समय मिल सकता है, ऑक्सीजन इत्यादि वेंटिलेटर तक की व्यवस्था राज्य सरकार ने करके रखी, क्योंकि लंग का मामला है जो मृत्यु होगी, ऑक्सीजन की कमी, लंग फंक्शन नहीं होगा, कोरोना वायरस से मृत्यु का कारण वही होना चाहिए। तो वो उपचार आपको कैसे मिलेंगे अगर समय पर आपने नहीं बताया? तो अपने लिए भी, और बहुत ज़रूरी कि किसी दूसरे को ना हो जाए आपके माध्यम से, तो इसको प्लीज़ हल्का से मत लीजिए। कोई दूसरा रास्ता इसको रोकने का अभी तक दवाई के माध्यम से नहीं विश्व में विकसित हुआ है जो आपको दूसरे देने से रोक सकता है। दूसरा अगर बीमार होगा तो आपके वजह से होगा, तो उस जिम्मेदारी को भी समझें, अपने खुद के लिए भी कि आपकी देखभाल जल्दी से चालू हो जाए, खुद को भी हो सकता है और आपके माध्यम से न जाने कितने लोगों को हो सकता है। तो इन दोनों कारणों से बाहर जाने से भी परहेज करिए प्लीज, कुछ समय के लिए, जब तक इसकी चिंता पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, और यहां रहते हुए भी कम से कम लोगों से संपर्क।